الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور सूरह फातिर की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन तिजारत का जिक्र किया, एक ऐसी तिजारत, एक ऐसा बिजनेस कि जिस तिजारत और बिजनेस में घाटे और नुकसान की किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने कहा इन्नल लदीना यतलूना किताब अल्लाह के जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करते हैं, वअकामु सलात और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानिया और अल्लाह ने जो कुछ माल में उनको हिस्सा दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं लोगों की निगाहों से छुप कर भी और लोगों की निगाहों में आकर भी। अल्लाह ने कहा कि यरजूना तिजारत लन तबूर, ये तीन किस्म के काम करने वाले लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत करते हैं, ऐसी तिजारत कि जिसमें घाटे और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर इन तीन आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन से सौदेबाजी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत के तौर पर इसको जिक्र किया। और यकीनन वो तिजारत कि जो परवरदिगार से हो, वो बिज़नेस जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो, उस बिज़नेस में इंसान के लिए किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर या कोई नुकसान या कोई घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तिजारत का करना, कारोबार करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान के मुताबिक इसका बदला इंसान को दिया जाएगा। अल्लाह से तिजारत और अल्लाह से बिजनेस आम इंसानों से तिजारत और बिजनेस करने के मानिंद नहीं, क्योंकि इंसानों के साथ जब मामलात किए जाते हैं, बिजनेस, तिजारत या किसी भी किस्म का कोई मामला होता है, तो बसा अवकात या अक्सर व बेशतर बिजनेस करने वाले, तिजारत करने वाले लोग इंसानों को या तो झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, या तो पैसा लेकर काम नहीं करते या पैसा भी नहीं लेते या काम भी नहीं करते। बहरहाल इस किस्म की मुश्किलात, परेशानियां होती हैं इंसानों के साथ डील करने के दौरान। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह से जब डील करते हो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सौदा करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तिजारत के अंदर इस किस्म का कोई खौफ या कोई डर इंसान को नहीं होगा। अब अल्लाह ने किस कितनी चीज़ों को तिजारत कहा, यतलूना किताबुल्लाह, कुरान करीम की तिलावत, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से बिजनेस और तिजारत है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करना, महज सिर्फ तिलावत कुरान की, ये भी बायस अजर और बायस सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की महज तिलावत पर हर हर हर्फ पर 10-10 नेकियाँ लिखी जाती हैं। अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई और कहा कि अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि आपने कहा कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। इस तरीके से सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने से आदमी को, इंसान को 30 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास दी जाएंगी। तो जब एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियाँ हैं, तो ऐसे कुरान मजीद की तिलावत इंसान के लिए कितना फ़ायदे बख्श बिजनेस और कितनी नफ़ा वाली तिजारत इंसान के लिए हो सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि जो आदमी कुरान मजीद की तिलावत करना चाहता है लेकिन तिलावत कर नहीं सकता, अटक अटक कर, रुक रुक कर पढ़ता है, हिज्जे कर कर के पढ़ता है, उसको कुरान मजीद रवानी के साथ पढ़ने नहीं आता,
ऐसे आदमी के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, फरमाया कि ऐसे आदमी को अल्लाह ताला दुगना अजर देगा जो कुरान पढ़ने की कोशिश करता है अटक अटक कर, हिज्जे कर करके, रुक रुक के, देख देख कर, सोच सोच कर, लोगों को पूछ पूछ कर जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसको दुगना अजर देता है, दुगना सवाब देता है। तो कुरान मजीद की महज तिलावत ये भी अजर और सवाब का बाइस है। बहुत सारे इंसान की जिंदगियों के अंदर इल्ला माशाल्लाह कुरान मजीद खोलने की कभी कभार नौबत आती है। जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसके रिश्तेदारों को ये फिक्र होती है कि इसके नाम पर कुरान पढ़कर इसको बख्शवाया जाए, इसके नाम पर लोगों को कुरान पढ़ाकर इसको बख्शवाया जाए। तो ये जो अमल इंसान खुद कर सकता है ज़िंदगी के अंदर वो नहीं करता, और मरने के बाद उसके रिश्तेदार उसके नाम पर कुरान को बख्शवाना चाहते हैं कि जिसका कोई अजर और सवाब मरने वाले को नहीं पहुँचता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की तिलावत को अल्लाह रब्बुल आलमीन से तिजारत के तौर पर जिक्र किया कि जो कुरान मजीद की तिलावत करता है गोया उसने अल्लाह से सौदेबाजी कर ली, अल्लाह से तिजारत करके अल्लाह के पास अपने अजर और अपने सवाब को फिक्स कर लिया। फिर दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की कि वक़ामुस्सला, नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और नमाज को ज़ाय नहीं करते। फ़र्ज नमाजें ये तो अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, इसके साथ साथ सुन्नतों का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम, ये अल्लाह के पास इंसान के दर्जात और मरातिब को ऊंचा करने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि मेरे सहाबी पूछो मांगो क्या मांगते हो। सहाबी ने कहा कि अलुका मुराफ़त का फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का कोई ऐशो आराम, दुनिया की कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए बल्कि जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था कि आइनी आला कसरत सुजूद, ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों के ज़रिए तुम मेरी मदद करो। यानी इस रिवायत के अंदर ये बात मालूम हुई कि कसरत से नमाजों का अहतमाम, नवाफिल का अहतमाम, सुन्नतों का अहतमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत जन्नत के अंदर अता करता है। अल्लाह के नबी की क़ुर्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी उस इंसान को मिलती है जन्नत में कि जो फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ नवाफिल का कसरत से दुनिया में अहतमाम करता है। तो अल्लाह ने कहा कि जो नमाज कायम करते हैं वो भी अपनी तिजारत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, अल्लाह के पास उन्होंने अपना बदला फिक्स कर लिया। ये तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई कि वअन्फ़िकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानिया। अल्लाह ने जो कुछ दुनिया में दे रखा है, माल दौलत असबाब ओहदा, अल्लाह ने कहा कि उसमें से लोग खर्च करते हैं, उसमें से लोगों को खैरात करते हैं, अल्लाह के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर लोगों को देते हैं। दो तरीके से देते हैं, लोगों को बताकर भी देते हैं, लोगों की निगाहों से छुप कर भी अल्लाह के रास्ते में सदक़ा और खैरात करते हैं। तो सदक़ा और खैरात करना ये ख़ुद एक बहुत अफजल तरीन अमल है, और छुप कर खैरात करना, छुप कर सदक़ा करना ये सबसे ज़्यादा अफजल इंसान के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असर के नमाज के बाद की दर्स में जो हदीस चल रही है कि अल्लाह ताला सात खुश नसीब को अपने साये के नीचे जगा देगा, उसमें से खुश नसीब वो भी है कि जो आदमी अपने सीधे हाथ से अगर खर्च करे तो उसके उल्टे हाथ को भी ना मालूम हो कि उसने सीधे हाथ से क्या खर्च किया। तो इस तरीके से लोगों की निगाहों से छुप कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये भी अल्लाह ताला से तिजारत और बिजनेस करने के बराबर है। तो अक्सर व बेशतर लोगों की निगाहों से छुप कर किया जाने वाला अमल उसमें इखलास पाया जाता है, ऐसा अमल कि जिसको कोई नहीं देखता, आपके और आपके रब के अलावा किसी को उस अमल के बारे में मालूम नहीं, अक्सर इन अमाल के अंदर इखलास पाया जाता है, इसीलिए इस छुप कर करने के अमाल की अहमियत है। फिर अल्लाह ने कहा कि ऐलानिया तौर पर भी बसा औक़ात लोगों के सामने देना चाहिए ताकि दूसरे देखने वालों को तरगीब हो और दूसरे देखने वाले भी उस आदमी को देख कर नेक काम की तरफ, सदक़ा और खैरात की तरफ आगे आए। तो अल्लाह ने ये तीन काम गिनाए, किताब की तिलावत, नमाज का अहतमाम और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये तीन चीज़ें, तीन आमाल ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से तिजारत करता है, और ऐसी तिजारत है रब के साथ कि जिसमें नुकसान और घाटे की कोई गुंजाइश और कोई खौफ नहीं है। अक्सर व बेशतर बिजनेस, दुनियावी तिजारत जो है उसमें नुकसान का खदशा ज़रूर रहता है,
किसी भी किस्म का जायज़ हलाल बिजनेस अगर है तो उसमें नफ़ा और नुकसान ये दोनों के खदशे और दोनों के खौफ हुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ बिजनेस और तजारत में किसी भी किस्म का नुकसान या किसी किस्म के घाटे का इंसान को खौफ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन उन तमाम को कुरान मजीद की नायात पर गौर फिक्र तदब्बुर तफक्कुर और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।